बात की एक बात यह है कि पाकिस्तान दुनिया को कुछ भी कहता रहे, लेकिन जब चीफ जस्टिस को ही कट्टरपंथी धमकाने पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि वो कौन सी गर्त में जा चुका है। और यह धमकी इन कट्टरपंथियों की कोई खोखली धमकी नहीं है, वहां के पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर को मार दिया था इन कट्टरपंथियों ने, क्योंकि उन्होंने भी एक केस में यह रुख अपनाया था कि ईश निंदा के नाम पर नाइंसाफी हो रही है। अब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को मार देंगे, सोचिए कौन सा जज इनके खिलाफ फैसले सुना देगा। फिर अहमदिया मुसलमानों को ये मुसलमान ही नहीं मानते, मुसलमानों के नाम पर पाकिस्तान बनाया और फिर उसमें अलग अलग करने लग गए, क्योंकि देश ही कट्टरपंथी विचारधारा पर बना दिया था, तो कट्टरपंथ का कोई अंत थोड़ी है। पहले हिंदुओं पर जुल्म किए, ईसाइयों को पकड़ पकड़ कर मुसलमान बनाया, पारसी थोड़े बहुत बच गए क्योंकि वो पैसे वाले थे तो वो धीरे धीरे विदेश भाग गए, फिर ये सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं कि कौन मुसलमान है कौन नहीं है। इतने अहमक हैं कि पाकिस्तान को मलाला से पहले कुल एक नोबल प्राइज मिला था फिजिक्स में, पूरे देश को एक, उसके बाद अब जाके मलाला को मिला। डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था 1979 में, दुनिया के माने हुए शख्स थे साइंस की दुनिया में डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनको नोबेल प्राइज मिला। कोई भी देश उनको सर आंखों पर बैठा कर रखता कि पाकिस्तान जैसे देश में जहां पढ़ाई लिखाई की और खासतौर पर साइंस की पढ़ाई की लिखाई की कोई हिस्ट्री नहीं रही, वहां किसी को नोबेल प्राइज मिला, लेकिन ये लोग उसको मानते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब्दुल सलाम अहमदिया मुसलमान थे। बताइए, उनकी कब्र तक से मिटा दिया इन्होंने कि वो पहले मुस्लिम थे जिनको नोबेल मिला, उनकी कब्र पर लिखा हुआ तो कह रहे हैं मुस्लिम नहीं है। ऐसा पागल देश है ये। वो तो शुक्र है कि अरशद नदीम सुन्नी मुसलमान है, वो अगर अहमदिया मुसलमान होते तो ये कह देते ओलंपिक गोल्ड मेडल भी नहीं चाहिए, इनको नोबेल प्राइज नहीं चाहिए अपना, क्योंकि अहमदिया को मिला था। पंजाब के गवर्नर को जिसने मारा उसकी मजार बना दी इन्होंने, वो हत्यारा हीरो है इनका, हत्या करने वाला, फूल चढ़ाते हैं वहां जाकर ये लोग। ये कोई नॉर्मल देश थोड़ा ही है। शिया मुसलमानों पर भी ये लोग ऐसे ही जुल्म करते रहते हैं जैसे अहमदिया मुसलमानों पर, लेकिन उस मामले में दिक्कत क्या है कि शियाओं के मामले में ईरान नाराज हो जाता है तो ये लोग डर जाते हैं। पैसा भी तो नहीं है ना इनके पास, फक्कड़ लगे पड़े हैं तो ईरान से मदद भी चाहिए होती है, लेकिन अहमदिया मुसलमानों के लिए कोई बोलने वाला नहीं। चीफ जस्टिस को ही धमकी दे आए हैं ये, तो सोचिए कहां है इनकी सरकार और वो इनकी फौज। उनकी फौज जो कहती है कि एटम बम जेब में पड़ा है, वो इन कट्टरपंथियों के सामने दुम दबाकर भाग जाती है, चाहे उनके चीफ जस्टिस को ही जान से मारने की धमकी दे आए, और बनते हैं ये दुनिया के मुसलमानों के रहनुमा। जन्नत बनाने चले थे मुसलमानों के लिए, जहन्नुम बनाकर रख दिया। दो बात की एक बात,